सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 16 में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम रहेगा भेड़ की नस्लें, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले वीडियो में हमने भैंस की नस्लों वाला जो टॉपिक है वो कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपने भैंस की नस्लों वाला जो टॉपिक है उसके क्लासें नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। और जो भैंस की नस्लों वाला टॉपिक था उसकी PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम रहेगा भेड़ की नस्लें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो NBAGR है उसके द्वारा भारत में भेड़ों की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, तो 44। आप याद रखेंगे कि जो भेड़ हैं उनकी NBAGR के द्वारा पंजीकृत कुल नस्लें हैं वो 44 है। बकरी की हमने पढ़ी थी 37, इसके अलावा भैंस की पढ़ी थी 20, गाय की पढ़ी थी 53। तो इन चारों के बारे में, ये दो महत्वपूर्ण चार पशु हैं जो दूध मांस ऊन हेतु क्या है इनको पाला जाता है, इनकी नस्लें आप याद रखेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इनकी नस्लें आपसे पूछ सकता है कि कितनी है। तो आप याद रखेंगे भेड़ की कुल पंजीकृत नस्लें हैं वो 44 हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस राज्य की नस्ल है वो कौन सी है। तो यहाँ पे बात करते हैं बकरवाल की। बकरवाल दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी भेड़ की नस्ल है बकरवाल। और दोस्तों ये इसका नाम है वो बकरवाल समुदाय के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे एक बकरवाल समुदाय रहता है जम्मू कश्मीर में, उसके द्वारा दोस्तों एक तो बकरी की नस्ल पाली जाती है, एक भेड़ की नस्ल। भेड़ की जो नस्ल है उसका नाम है बकरवाल, जबकि जो बकरी की नस्ल है उसका नाम है बकरवाली। तो बकरवाली तो बकरी की नस्ल है, जबकि बकरवाल भेड़ की नस्ल है, जो कि बकरवाल समुदाय के द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पाली जाती है। उसके बाद में नाम आता है चांगथांगी का। दोस्तों चांगथांगी हमने बकरी की भी नस्ल पढ़ी थी, जो पश्मीना ऊन है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों जो चांगथांगी है वो भेड़ की भी नस्ल है, तो भेड़ और बकरी दोनों की नस्ल है चांगथांगी। ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है वो बकरी की है और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की है। उसके बाद में बात करें गुरेज। गुरेज जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की भेड़ की नस्ल है, गुरेज का नाम है दोस्तों वो गुरेज घाटी के नाम पे पड़े है। यानी जम्मू कश्मीर में एक घाटी है जिसका नाम है गुरेज घाटी, और इस गुरेज घाटी में इस भेड़ को पाला जाता है, इस कारण इसका नाम पड़ गया गुरेज। तो आप याद रखेंगे। एक बार मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देखिएगा दोस्तों, ये जो भेड़ की नस्ल आपको नज़र आ रही है ये है बकरवाल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये है दोस्तों चांगथांगी। कौन सी भेड़ की नस्ल है? चांगथांगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यह है गुरेज, जिसका नाम गुरेज घाटी पे पड़ा है, तो यह है गुरेज। तो ये तीनों जो भेड़ की नस्लें हैं ये किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखती है? तो जम्मू कश्मीर से, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो नस्ल आती है उसका नाम है रामपुर बुसायर और एक है गद्दी। ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश राज्य की भेड़ की नस्लें हैं। यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये गुरेज घाटी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे जो ये भेड़ें चल रही है इनका नाम है गुरेज, ठीक है। गुरेज भेड़ की नस्ल है, वो यहाँ पे आपको चरती हुई नज़र आ रही है, और ये घाटी है इसका नाम है गुरेज घाटी। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं, ये है रामपुर बुसायर। कौन सी नस्ल है? तो आप कहेंगे रामपुर बुसायर। और दोस्तों ये कौन से राज्य की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है, यानी HP हिमाचल प्रदेश राज्य की भेड़ की नस्ल है जिसका नाम है रामपुर बुसायर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो भेड़ की नस्ल आ रही है नज़र आपको, इसका नाम है गद्दी। और दोस्तों गद्दी हमने बकरी की भी नस्ल पढ़ी थी और साथ में ये भेड़ की भी नस्ल है, और दोनों ही जो नस्लें हैं एक, यानी नाम एक ही है, अलग अलग पशुओं की है, एक भेड़ की है एक बकरी की है, नाम एक ही है। और दोस्तों दोनों ही ये जो बकरी की नस्ल है भेड़ की नस्ल है जिसका नाम गद्दी है, ये हिमाचल प्रदेश राज्य की है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको नज़र आ रही है मुजफ्फरनगरी। मुजफ्फरनगरी के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था और एग्जाम में आया था कि मुजफ्फरनगरी है वो किस पशु की नस्ल है, तो ये भेड़ की नस्ल है। और ये भी पूछा गया था कि किस राज्य से संबंध रखती है। ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश, अगर यानी चार ऑप्शन आए उसमें उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन मिले,
मध्य प्रदेश मिले, बिहार मिले, झारखंड मिले, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे इसका उत्पत्ति जो राज्य है वो दो राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड। तो मुजफ्फरनगर याद रखेंगे, ज़्यादातर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। तो एक ऑप्शन मिले तो आपको उत्तर प्रदेश करके आना है, याद रखेंगे मुजफ्फरनगर के बारे में। अब मैं आपको मुजफ्फरनगर की फ़ोटो दिखा देता हूँ दोस्तों। ये जो आपको बेड की नस्ल नज़र आ रही है, इसका नाम है मुजफ्फरनगरी, मुजफ्फरनगरी जो कि दोस्तों यूपी प्लस यूके यानी उत्तराखंड राज्य में पाली जाती है। बेड की नस्ल है मुजफ्फरनगरी। अगर एक ऑप्शन आए तो यूपी, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये पूछा गया है, यानी जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित एग्जाम होते हैं उनमें मुजफ्फरनगरी के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य की बेड की नस्ल है, तो यूपी की। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं। एक दोस्तों नाम है इसका तिब्बती, लेकिन ये तिब्बत देश की नहीं है बल्कि हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की बेड की नस्ल है। तो आप याद रखेंगे तिब्बती जो कि भेड की नस्ल है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की भेड की नस्ल है। उसके बाद में आता है नाम जालौनी का। जालौनी की बात करें तो यूपी और एमपी, यानी यूपी और एमपी राज्य की भेड की नस्ल है जिसका नाम है जालौनी। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जालौनी भेड की नस्ल जो कि यूपी और एमपी इन राज्यों में पाली जाती है। तो नाम याद रखेंगे जालौनी का। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट रामपुर, बुसायर, गद्दी, गुरेज, चांगथांगी, बकरवाल, मुजफ्फरनगरी, ये हैं वो महत्वपूर्ण जो नस्लें हैं बेड की जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद में नाम आता है डेकन का, या जिसे डेकनी बोलते हैं। और ये आपको पता ही होगा कि भारत में मटन हेतु जो सर्वोत्तम नस्ल है वो मानी जाती है डेकनी, यानी बेड का मांस है उसको मटन बोलते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी का मटन है वो किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होता है भारत में, तो डेकनी या फिर डेकन, जो कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य हैं इसके उत्पत्ति राज्य, या इन राज्यों में पाली जाती है। NBAGR के द्वारा इनका वितरण क्षेत्र कह सकते हैं, उत्पत्ति क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य। उसके बाद में नाम आता है छोटा नागपुरी। छोटा नागपुरी दोस्तों नागपुर का पठार आपको पता ही होगा, छोटा नागपुर का पठार जो कि अधिकांशतः झारखंड राज्य में विस्तृत है। तो इन क्षेत्रों में यानी छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में एक भेड की नस्ल पाली जाती है जिसका नाम है छोटा नागपुरी। ठीक है, तो डेक्कन और छोटा नागपुरी के बारे में याद रखेंगे। दोनों की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देखिएगा, डेक्कन या डेकनी जो भेड की नस्ल है जो कि भारत में सर्वोत्तम मटन हेतु प्रसिद्ध है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का मटन है वो भारत में किस नस्ल भेड की किस नस्ल का है, तो आप कहेंगे डेक्कन का। ये आपको फ़ोटो नज़र आ रही है और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य हैं, इसके उत्पत्ति राज्य माने गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये देखिएगा, ये है आपकी छोटा नागपुरी जो कि किस राज्य की है, तो आप कहेंगे झारखंड की। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों गुजरात की याद रखेंगे। एक तो है पाटनवाड़ी, एक पंचाली। तो पाटनवाड़ी और पंचाली भेड़ की नस्लें हैं वो किस राज्य से संबंध रखती है, गुजरात से। उसके बाद में दोस्तों जो ये दो नाम आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो कजली और एक नेलोर, ये इंपॉर्टेंट है। कजली दोस्तों याद रखेंगे पंजाब राज्य की भेड़ की नस्ल है, और जो नेलोर है वो आंध्र प्रदेश राज्य की भेड़ की नस्ल है। और नेलोर जो भेड़ की नस्ल है वो दोस्तों एकदम बकरी जैसी दिखाई देती है, यानी भेड़ की वह नस्ल जो बकरी जैसी दिखाई देती है वो है नेलोर। और दोस्तों ये भेड़ की सबसे ऊँची नस्ल है, यानी आपसे पूछे कि ऊंचाई में सबसे ऊंची जो भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे नेलोर। फोटो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, एकदम आपको नज़र आएगी बकरी की जैसी। और कजली की भी मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूं जो पंजाब राज्य की भेड़ की नस्ल है। तो यहां पे हम नीचे चलते हैं। ये दोस्तों ये तो है कजली, ये कजली भेड़ की नस्ल है जो कि पंजाब राज्य की है। इसके अलावा बात करते हैं जो ये हैं, ये देखिए दोस्तों नेलोर, ये दोस्तों आपको नज़र आ रही है एकदम बकरी है जैसे, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये नेलोर भेड़ की नस्ल है जो कि बकरी जैसी दिखाई देती है। और ये किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो याद रखेंगे नेलोर के बारे में, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे नेलोर। बकरी जैसी दिखने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, नेलोर, किस राज्य की है, आंध्र प्रदेश की। दो फैक्ट याद रखेंगे इसके बारे में। और कजली याद रखेंगे पंजाब राज्य की भेड़ की नस्ल है।
नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हसन। ये दोस्तों वास्तव में हसन नाम नहीं है, इसका नाम है हसन या हसन आप कह लो। इसके अलावा मंड्या और बेलारी, ये तीनों ही दोस्तों कर्नाटक राज्य की जो भेड़ की नस्ल हैं। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कर्नाटक का एक ज़िला है जिसका नाम है हसन, तो दोस्तों ये उसी हसन ज़िले के नाम पे इस भेड़ का नाम है हसन या फिर हसन, ठीक है। तो हसन, मंड्या, बेलारी ये दोस्तों कर्नाटक राज्य की भेड़ की नस्लें हैं, याद रखेंगे। इसमें दोस्तों मंड्या के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद रखनी है, जो मंड्या भेड़ की नस्ल है ये भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है। यहाँ पे आपको फोटो नज़र आ रही है, ये देखिए दोस्तों ये है मंड्या भेड़ की नस्ल जो कि कर्नाटक राज्य की है और भेड़ की सबसे छोटी नस्ल। तो क्वेश्चन आएगा भेड़ की सबसे छोटी नस्ल, तो आप कहेंगे मंड्या जो कि किस राज्य की है, तो कर्नाटक की। और भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल नेलोर जो किस राज्य की, आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं तिरुची ब्लैक और चेवांडू की। ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य की भेड़ की नस्ल हैं तिरुची ब्लैक और चेवांडू। उसके बाद में शाहबादी, ये बिहार की है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। और एक दोस्तों रामनाड वाइट, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे, ये तमिलनाडु की है। तिरुची ब्लैक, चेवांडू ये याद नहीं रखेंगे। ये दोस्तों जो रामनाड वाइट है ये तमिलनाडु राज्य की भेड़ की नस्ल है, इसको याद रखेंगे। और साथ में शाहबादी को भी याद रखेंगे, शाहबादी बिहार की है। दोनों की फ़ोटो दिखा देता हूँ, उसके बाद में दोस्तों हम कुछ अन्य और भेड़ों की नस्लें हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिएगा दोस्तों शाहबादी जो भेड़ हैं जो कि बिहार राज्य की हैं, ये आपको नज़र आ रही है। और एक हमने छोटा नागपुरी पढ़ी थी जो झारखंड की है, तो झारखंड और बिहार की एक एक जो भेड़ की नस्ल है उसके बारे में याद रखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों ये आती है रामनाड वाइट, ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य की है। वैसे ये भी बकरी जैसी नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों नेलोर है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि भेड़ की वह नस्ल जो बकरी के जैसी दिखाई देती है, तो आप कहेंगे नेलोर। तो ये थी हमारी जो महत्वपूर्ण पंजीकृत नस्लें हैं जिनके बारे में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखेंगे किस राज्य की हैं और उस नस्ल का क्या नाम है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो इसमें एक तो नाम याद रखेंगे बकरवाल का, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की है। उसके बाद में रामपुर बुसायर और गद्दी का नाम याद रखेंगे, एक मुजफ्फरनगरी का नाम याद रखेंगे, एक डेक्कन का याद रखेंगे, उसके बाद में नेलोर, उसके बाद में मंड्या और शाहबादी और रामनाड वाइट, इन जो नस्लें हैं इनका नाम आप याद रखेंगे। और ये किस राज्य से संबंध रखती है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में भेड़ की प्रमुख नस्लें, यानी राजस्थान में भेड़ की जो प्रमुख नस्लें हैं वो कौन कौन सी है जो कि रजिस्टर्ड है NBAGR के द्वारा। तो नाम आता है चोकला का, दोस्तों चोकला जो कि शेखावटी रीजन में पाली जाती है, और चोकला को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बार याद रखना है कि राजस्थान में भेड़ की नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। एक है जैसलमेरी दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद में मगरा जो कि बीकानेर की है, मालपुरा दोस्तों राजस्थान में मटन हेतु सबसे प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, तो मालपुरा। भारत में कौन सी है, तो डेकनी। तो ये दोनों इफेक्ट रिलेट करके याद रखेंगे कि अगर मटन के लिए आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो मालपुरा। भारत में कौन सी है, तो डेकनी। उसके बाद में मारवाड़ी, दोस्तों मारवाड़ी की बात करें तो NBAGR के द्वारा इसके जो रजिस्टर्ड, यानी इसको रजिस्टर्ड किया गया है, उसके उत्पत्ति राज्य की बात करें तो राजस्थान और गुजरात का नाम आता है, तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मारवाड़ी भेड़ की नस्लें वो किन राज्यों में पाली जाती हैं, दो दो ऑप्शन मिले आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अगर दोस्तों मारवाड़ी के बारे में क्वेश्चन ऐसा आए कि मारवाड़ी भेड़ है वो किन राज्यों में पाली जाती है, तो आप कहेंगे राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। उसके बाद में नाली, दोस्तों नाली हमारे राजस्थान की भेड़ की नस्ल है जो कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में पाली जाती है। उसके बाद में पोंगल की बात करें तो दोस्तों ये भी बीकानेर के पोंगल क्षेत्र में पाली जाती है। उसके बाद में सोनाड़ी, सोनाड़ी दोस्तों जिसके कान लंबे होते हैं और चरते समय इसके कान है वो ज़मीन से टच करते हैं, इस कारण दोस्तों इसका एक नाम मिलता है जिसका नाम है चनोथर, तो सोनाड़ी का अन्य नाम चनोथर भी मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य नस्लें, यानी ये तो आठ जो नस्लें हैं वो NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अन्य जो राजस्थान की भेड़ों की नस्लें
जो NBAGR के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमारे जो राजस्थान में एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है कि जो खेरी है जो कि भेड़ की नस्ल है, ये किन जिलों में पाली जाती है राजस्थान के, तो जोधपुर, नागौर, पाली। याद रखेंगे दोस्तों खेरी किस पशु की नस्ल है, तो भेड़ की। और राजस्थान के किन यानी जिलों में पाली जाती है, तो आप कहेंगे जोधपुर, नागौर और पाली में। उसके अलावा दोस्तों नाम आता है बागड़ी, जिसका मुँह है अधिकांश मुँह काला होता है, ये दोस्तों अलवर और भरतपुर जिलों में पाली जाती है। तो बागड़ी है वो अलवर और भरतपुर जिलों में पाली जाती है, जबकि खेरी जोधपुर, नागौर, पाली जिलों में पाली जाती है। ये अन्य नस्लें हैं राजस्थान की, तो याद रखेंगे 8 तो भेड़ की रजिस्टर्ड ब्रीड है राजस्थान में, 2 अन्य हैं। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखेंगे ये टोटल 10 नस्लें हैं। उसके बाद में दोस्तों एक वर्गीकरण देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्गीकरण है, भेड़ की नस्लों को कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी भेड़ की जो नस्लें हैं उनको कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं और कौन से भाग में कौन सी नस्लें वो पाली जाती है, और हमारे राजस्थान की जो भेड़ें हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी किस कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले नाम आता है उत्तरी समशीतोष्ण या शीतोष्ण क्षेत्र, यानी दोस्तों हिमालय वाला रीजन, यानी हिमालय वाले क्षेत्र में अभी हम बात करके आए थे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की भेड़ की नस्लें आती है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की। ये महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है जहाँ पे यानी हिमालय रीजन आता है जहाँ पे भेड़ की नस्लें हैं वो पाली जाती है। तो यहाँ पे एक तो आती है बकरवाल जो कि भेड़ की नस्ल है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, अभी हम पढ़ के आए थे। इसके अलावा चांगथांगी ये भी जम्मू कश्मीर की, करनाहे ये भी जम्मू कश्मीर की, पुंछी दोस्तों ये भी जम्मू कश्मीर, गुरेज ये भी जम्मू कश्मीर। यानी उत्तरी समशीतोष्ण या शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत जो भेड़ की नस्लें आती हैं उनमें नाम आता है बकरवाल, चांगथांगी, करनाहे, पुंछी, गुरेज, जो कि पांचों ही जम्मू कश्मीर राज्य की भेड़ की नस्लें हैं। जबकि बात करें गद्दी और रामपुर बुशेर या जिसको बुशायर बोलते हैं, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की हैं। तो उत्तरी समशीतोष्ण या शीतोष्ण क्षेत्र में याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्य की भेड़ की नस्लें आती हैं। उसके बाद में हमारे राजस्थान की जो सारी भेड़ें हैं वो उत्तरी पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें दोस्तों चोकला जिसको भारतीय मेरिनो बोलते हैं, कालीन ऊन के लिए प्रसिद्ध है, मगरा, नाली ये भी दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और दोस्तों कालीन ऊन यानी कारपेट बनाने हेतु जो ऊन इस्तेमाल की जाती है वो इनसे प्राप्त होती है, चोकला, मगरा, नाली से। इसके अलावा नाम आता है जैसलमेरी, खेरी, मालपुरा, मारवाड़ी, सोनाड़ी, पुंगल, ये दो दोस्तों भेड़ की नस्लें हैं। इनसे मटन यानी मांस के लिए साथ में कालीन ऊन के लिए इनको पाला जाता है, जबकि चोकला, मगरा, नाली इन तीनों को स्पेशली ऊन हेतु यानी कालीन निर्माण हेतु जो ऊन इस्तेमाल की जाती है उनके लिए इनको पाला जाता है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा पाटनवाड़ी मैंने आपको बताया था गुजरात की है, ये भी उत्तरी पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा मुजफ्फरनगरी जो कि यूपी और उत्तराखंड की है, जालौनी जो कि यूपी और एमपी की है, इसारडेल दोस्तों ये भेड़ की एक संकर नस्ल है जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये आप याद रखेंगे उत्तरी पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में कौन कौन सी नस्लें आती है। तो हमारे राजस्थान की जो सारी नस्लें हैं वो भेड़ की इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब दोस्तों दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यानी जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं उनकी नस्लें आएंगी, जिनमें डेकनी जिसको स्पेशली मांस हेतु पाला जाता है, उसके बाद में बेलारी ये कर्नाटक की हैं, डेकनी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की हैं, कंगूरी ये भी दोस्तों कर्नाटक की है, हसन ये भी कर्नाटक की है, मंड्या जो कि भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है, नेलोर ये भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल जो कि आंध्र प्रदेश की है, नीलगिरी, बेंबूर, किला कार्सल, त्रिची ब्लैक, मद्रास रेड, रामनाड वाइट, इसके अलावा हमने त्रिची ब्लैक, चेवांडू ये सारी पड़ी, ये जो नस्लें हैं वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और ये जो किला कार्सल, त्रिची ब्लैक, मद्रास रेड, बेंबूर, नीलगिरी ये तमिलनाडु की है, जबकि नेलोर ये आंध्र प्रदेश की है, हसन, कंगूरी, वेलारी, डेकनी ये दोस्तों वेलारी और कंगूरी हसन ये कर्नाटक की है, डेकनी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पूर्वी क्षेत्र की, तो ये दोस्तों नाम आप याद रखेंगे, वलागीर ये भेड़ की नस्ल है उड़ीसा राज्य की है, वनपाला ये दोस्तों सिक्किम राज्य की है, छोटा नागपुरी मैंने आपको पढ़ाया इंपॉर्टेंट ये झारखंड की है, गंजम दोस्तों इसका नाम याद रखेंगे ये भी उड़ीसा की है, और एका गरोले ये पश्चिम बंगाल की है, तिब्बती ये
अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में क्या है, पाली जाने वाली भेड़ की प्रमुख नस्लें हैं। और ये वर्गीकरण आप याद रखेंगे कि कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के आधार पर भेड़ की नस्लों का वर्गीकरण है वो चार भागों में किया गया है। एक में उत्तरी समशीतोष्ण या शीतोष्ण क्षेत्र आता है, उसके बाद में उत्तरी पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उसके बाद में पूर्वी क्षेत्र। तो ये वर्गीकरण आप याद रखेंगे। और दोस्तों कल हम पढ़ेंगे भेड़ से संबंधित शब्दावली के बारे में और साथ में हम भेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी और ये वर्गीकरण आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। और इस वर्गीकरण के अंतर्गत दोस्तों हमारे राजस्थान की और इसके अलावा जो भी भेड़ की इंपॉर्टेंट नस्लें हैं, जिसमें दोस्तों गंजम का नाम आप याद रखेंगे उड़ीसा की है, बोन पाला का नाम आप याद रख सकते हैं सिक्किम की है, इसके अलावा छोटा नागपुरी झारखंड की, शाहबादी बिहार की, रामनाड वाइट तमिलनाडु की, हसन मंड्या वेलारी कर्नाटक की, कजली पंजाब की, नेलोर आंध्र प्रदेश की, इस प्रकार याद करेंगे, डेक्कन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की, नेलोर आंध्र प्रदेश की, छोटा नागपुरी आ गई झारखंड की, जालौनी आ गई यूपी एमपी की, गद्दी और रामपुर बसायर हिमाचल प्रदेश की, गुरेज करन्हा पुंछी बकरवाल चांगथांगी ये सारी जम्मू कश्मीर की, इस प्रकार याद करेंगे। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो भी साथी आपके पशु परिचय भर्ती 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।